आप सबका स्वागत है साराधिका न्यूज चैनल में। भटके विमुख जाति जमाती सेल उत्तर पश्चिम जिला के महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटनीस सचिन नोंडे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मुंबई के आजाद मैदान में। सुप्रीम कोर्ट का दिया ऑर्डर 19/8/2021 और हाई कोर्ट का ऑर्डर 8/2/2023 वेस्टर्न रेलवे ग्रेटर मुंबई के पास झोपड़ी वासियों का ऑर्डर न होने के बावजूद डेमोलिशन न करने के ऑर्डर प्राप्त होने के बावजूद रेलवे प्रशासन ने किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और न ही कोर्ट के ऑर्डर को माना और झोपड़ियों को डेमोलिश कर दिया। कई सालों से भक्ति विमुख जाति के लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं और राज्य सरकार की 2011 के अनुसार झोपड़ियों का पुनर्विसन होना चाहिए, लेकिन इन बातों को नज़रअंदाज करके रेलवे प्रशासन गरीबों के घरों झोपड़ियों भक्ति विमुख जाति जमादी सेल के झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया है। सारा अधिकार से बात करते हुए इन कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया सरकार से कि उनके टूटे हुए घरों के बदले उन्हें वापस कर दिए जाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार। आशीष शर्मा सारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो ये घटना काफी गंभीर है। यहाँ पे लोगों के घर को तोड़ा गया है। जब इंसान के सर पे छत होती है तो इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन जो घर तोड़े है वो रेलवे अधिकारी, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे इस विषय को लेकर? नमस्कार, मैं सचिन आदित्य कांग्रेस पार्टी। हम गए 3 साल से रेलवे प्रशासन राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चे के आंदोलन किए कि हम 40 से 50 साल से वो जगह पे रहते हैं, वहाँ पे हमारा सब डॉक्यूमेंट है, वोटिंग कार्ड से लेके सर्वे पावती तक। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का योजना है कि 2011 के तहत जो भी झोपड़ी आती है उसका पुनर्वसन करना है, प्रथम राज्य सरकार की जवाबदारी। रेलवे प्रशासन हिटलर शाही की तरफ ये सब लोगों का उस दिन राम मंदिर में 9 फरवरी को लेडीज लोग को उनका घर तोड़ दिया, उनको मारहाण हुई, लेडीज लोग को लाठी चार्ज हुआ। जोगेश्वरी में भी वही हालत है, कोली फाटक में भी वही। रेलवे लाइन पे उनको लाइन की जरूरत है तो उनको पुनर्वसन करना चाहिए। हम 40 से 50 साल पे वहाँ पे रहते हैं, हम तो आज से आए नहीं, हम तो कोई भारत देश से आए नहीं है, हम महाराष्ट्र के हैं, यहाँ के भूमि पुत्र हैं, तो हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए। आज ऐसी नौबत है कि हम बिना लाइट बिना पानी के मुंबई के शहर में रहते हैं। एक शर्मिंदा लगना चाहिए मंत्री लोग को। ये जो डेमोलिशन हुआ ये कभी हुआ था? ये डेमोलिशन हमारा 9 तारीख को हुआ, 9 फरवरी को पूरा डेमोलिशन किया, उसके पहला भी 1 जनवरी को डेमोलिशन किया है। डेमोलिशन करने के समय आपको कोई नोटिस आया था क्या? उन्होंने शॉर्ट नोटिस, 10 तारीख का नोटिस है, 9 तारीख का नोटिस लगाया, लेकिन वो नोटिस का कोई इशू नहीं है। वो खाली बोलते कि हमारी जगह खाली, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि तुम पहला स्थानीय कलेक्टर राज्य सरकार को ऑर्डर दिया गया है कि वहाँ पे जाके तुम डॉक्यूमेंट चेक करो, जो पात्र है उनका पुनर्वसन करो, जो पात्र नहीं है उन लोग का तुम 2000 कलेक्टर के पास भर दो, वो जगह खाली कर दो। ऐसा कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर रेलवे फॉलो नहीं करती है, लोगों को डराती है, लोगों को मारती है। अभी से उनका वही प्लानिंग है कि गरीब को यहाँ से भगा दो। कोर्ट में अभी देखो, कोर्ट में मैटर बोरीवली का भी चालू है, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए हर कोई ये रोज के कमाने के रोज के खाने के लोग हैं। हमारा वकील का फीस भी हमको परवरता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, कोर्ट में हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। अभी जोगेश्वरी के लिए नोटिस आएगी तो हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जो राज्य सरकार की एक उनकी फैसिलिटी जो है, राज्य सरकार का जो भी उनके हद में आता है उन्होंने वो करना चाहिए लोगों के लिए। MMRDA का कितने रूम धूल खाते पड़े, वहाँ पे BMC के हैं, MMRDA के, माड़ा के, SRA के, PPA के, BMC के, ऐसे अभी डेमोलिशन किए हुए जोगेश्वरी, अम्बोली फाटक, राम मंदिर, इंदिरा नगर, बोरीवली दौलत नगर, मलाड इंदिरा नगर, ऐसे कम से कम 700 से 800 लोग हैं जो अभी डेमोलिशन हो अक्षरशः उगड़े पे रहते, बिना लाइट बिना पानी के मुंबई में। मेरा नाम आचार्य सरकार, हम अम्बोली फाटक में रहते हैं। ये महाराष्ट्र का दिल कहा जाने वाला मुंबई शहर, और शर्मिंदगी की बात यह है कि हम लोगों को तोड़कर बेसहारा छोड़ दिया गया है, जहाँ पर लाइट और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और रेलवे वाले कहते हैं कि हम लोग ने इनको शिफ्टिंग दिया है,
हम मानते हैं 100 में से अगर 20 लोग को दिया तो बाकी 80 लोग तो हम यहाँ पर बैठे हैं। आप किस बात बुनियाद पे कहते हैं कि हम लोग सब दे दिया है? अगर 20 लोग को दिया है तो 20 लोग चले गए, 80 लोग तो बाकी हैं। 80 लोगों के लिए आपने क्या सोचा है? ये हम 40-50 साल से वहाँ पर रहते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हैं और कोई हमारी तरफ ध्यान देने तैयार नहीं। हमको मजबूरन ये मोर्चे की शक्ल में सरकार तक आवाज़ पहुँचानी पड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी का तो ये अनाउंस है कि 2024 में सब गरीब को घर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो अपोजिट हो गया है, जो घर था वो छिन गया है, अब कहा जाए? सर, जैसे कि आपने भी बताया कि आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपसे मुलाकात? सुप्रिया ताई से मुलाकात जनरल मैनेजर है, डीआरएम है, उनको पता है कि जब तक केंद्र में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चालू है उसको ऑर्डर नहीं होता है, जब तक कोई डेवलप नहीं होता है, तो वो रुक गया था। हमारे महाविकास के गाड़ी के टाइम को डेमोलिशन हमने रुकाया था, लेकिन उसके बाद जो रेलवे को जगह की जरूरत पड़ी, वैसे जगह रेलवे जागे हो गए कि हम लोग को ये जगह चाहिए। अरे, वो जगह पे रहने वाले लोगों का तो पुनर्वसन होना चाहिए। पांचवा छठे लाइन के लिए तुमने 1400 घर दे दिए, राज्य ने भी पैसा दिया, केंद्र ने भी पैसा दिया, तो फिर महाराष्ट्र की जनता के लिए वो खर्चा होना चाहिए। जो घर है, घर बिना घर के आदमी रह सकता है? नहीं रह सकता। तो हमारा मुंबई में घर होना एक स्वभाव की एक बात है कि जिसके नसीब में है उसका मुंबई में घर होगा। कैमरामैन थोड़ा यहाँ दिखाइए, कितने लोग यहाँ पे आए हुए, उसे देख सकते हो आप। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो बेघर हो चुके हैं और उनकी सर पे छत नहीं, इसीलिए उन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सरकार की काफी लापरवाही चल रही है, सरकार इस चीजों को ध्यान नहीं दे रही है। आज जनता है तो सरकार है, सरकार जब आती है वोट लेने तो पब्लिक का वोट लेती है, और जब जीत जाती है तो पब्लिक को भूल जाती है। हमारे चैनल से यूं ही बने रहे, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ गई है। मैडम, क्या कहना चाहोगी डेमोलिशन को लेके और सरकार की लापरवाही को लेके? सरकार की लापरवाही इस वजह से है कि हम लोग मुंबई जैसे मुंबई शहर में रहने के बावजूद भी हम लोगों की सुनवाई नहीं, हम लोग कोई बाहर से आए यहीं के रहवासी हैं, और हम लोगों का जो डेमोलिशन करते तो हम लोगों को शिफ्टिंग भी नहीं करते, तो फिर तुम डेमोलिशन किस वक्त करते हो? या तो पहले तुम दो, जैसे आगे की लाइन को दे वैसे हम लोगों को भी दो, हम लोग भी गरीब है और हमारे हक का घर है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अभी आए हैं या अभी बसे हैं, बहुत पुराने लोग हैं। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आप लोग 40-50 सालों से वहाँ हैं। जाहिर सी बात है, आज हम लोग काफी सालों से यहाँ पर रहते हैं और हम लोगों का जो बुरा हाल है, हम लोगों के बच्चे हैं, कुछ बच्चियाँ 15वीं की है, कुछ बच्चे बोर्ड के हैं, किसी की अभी डिलीवरी या कुछ होने वाला है, सबके घर का प्रॉब्लम है। तुम लोग तोड़ते हो तो देते क्यों नहीं? ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार, ये मोदी सरकार ने तो बोला है कि 2024 में पूरा सबको घर मिलेगा, तो जो हमारा जो था वो भी ले लिए, लेने के बावजूद भी हम लोगों को खड्डे पाड़ रहे, तो कम से कम सुकून से बैठने तो दो। विदाउट लाइट पानी के कौन रहता है आजकल? आपको क्या लग रहा है पूरी सरकार की लापरवाही की? पूरी लापरवाही है, मैं बता रही हूँ ना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, रेलवे सरकार, यहाँ तक के जो रेलवे की जो पुलिस है उन लोगों ने ये टाइम पे तो लाठी चार्ज भी लेडीज लोग के ऊपर किए, तो उन लोगों को शर्म नहीं आई जरा भी? तुम्हारा पर्स, तुम्हारा काम, तुम्हारी ड्यूटी हम मानते हैं, तो हम लोग का भी तो सुनो। हम लोग मुंबई में रहने वाले हैं, मुंबई के बाहर से नहीं, तो हम लोग कोई पाकिस्तान या दिल्ली से नहीं आए। सरकार से क्या आप निवेदन करना चाहोगे? मुंबई पे ध्यान दो, मुंबई के लोगों पे ध्यान दो। हम लोग तुम लोगों को वोटिंग देंगे तो तुम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग को तुम लोग साथ नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं देंगे, हम लोग तुम्हें केयर नहीं करेंगे, हम लोग की सरकार को केयर नहीं करेगी। जो 5 साल तुम राज करते हो ना, तो 5 दिन भी राज नहीं कर पाएंगी सरकार। यहाँ